नदामत से झुका है दिल, इलाही तू रहम कर दे मेरी इन इल्तिजाओं पे, खुदा अपना करम कर दे। मैं अपनी जिंदगी और उनसे लिंक्ड तमाम चीजों के बारे में बहुत ज्यादा पोसेसिव हूं। मेरा नाम, मेरा घर, मेरी फैमिली, मेरा ऑफिस, मेरे सूट, मेरी टाई पिन, मेरे बहन भाई, उनके बच्चे मेरे बच्चे हैं, मेरे नजदीक वो द बेस्ट है, बेहतरीन, सबसे अच्छे। और मैं अपने ही खानदान के बच्चे, अपने ही खून से गिन खाता रहा, एक ऐसे बच्चे से जिसकी शक्ल हूबहू मेरे बाप से मिलती है। मैं अपने बाप की छवि से घिन खाता रहा सिनान इलियास, तुम्हारी वजह से। सिनान कसूरवार नहीं है। जानता हूं मैं किसका कसूर है। यह हम दोनों भाइयों का आपसी मामला है। तुम चली जाओ यहां से। प्लीज तुम जाओ। आफाक बेटा बस कर दो, ये बताओ कि सबा कहाँ रहती है, किसके साथ रहती है, बच्चे किसके हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। बच्चे किसके बच्चे हैं ये तो नहीं पता, लेकिन उनकी मां सबा ही है। शुजरत का बच्चा कहाँ है, वो क्या क्या नाम था उसका? जहन, जहन। कितनी मेहनतें की थी मेरी सबा ने कि हम उसे गोद ले लें, अपना बेटा बना ले। अगर मान जाता उसकी बात तो जिंदगी कितनी मुख्तलिफ और आसान होती। घर की इज्जत भी बरकरार रहती और सब आज यहां होती मेरे साथ। ऐसे दारुल अमान में बच्चों के ऊपर अपनी ममता निछावर ना कर रही होती। Thank you.
आफाक तो वो रहे ही नहीं। याद है ना कैसे होते थे वो? सपने कहा था सबा का दूल्हा कितना खूबसूरत और अकड़ू। सबा की सारी जिंदगी तो कलफ लगाते लगाते ही गुजर जाएगी। उतर गई अब सारी कलफ। मिला कहाँ वो तुम्हें? वो ना मिलते तो मुझे तो मिलना ही था, बताना था, दिखाना था कि कितनी खुश हूं मैं उनसे दूर रहकर। लेकिन अब मिलने के बाद पता चला कि मैं तो खुश हुई। बेटी अपने घर में बहुत इज्जत से रहती है। मैं ऐसी फजूलियात की इजाजत तो मैं हरगिज नहीं दे सकता शहबाज। पर इस पर नजर रखना तो फर्ज है ना मेरा। नजर रखना और नजर से गिराना दो अलग अलग चीजें होती हैं। इसने शिकायत की है मेरी? हाँ। ये देखा आपने इसकी आंखों में बगावत। बेटा, बेटियों और बहनों पर इस तरह जिंदगी तंग नहीं करते। ये सह नहीं सकती। मर जाती हैं या फिर बागी हो जाती हैं। अरे जान से ना मार दूं बगावत से पहले। शहबाज, जो बेटियां होती हैं ना इन्हें बांध कर रखना चाहिए। दी थी ना आपने ढील, आज वो इज्जत पतंग बनकर कचरे के ढेर में पड़ी हुई है। आने जाने वाला आदमी उसको कुचल के जा रहा है। ऐसी बातें मत करो बेटा, इन मखलूक पे भरोसा ही नहीं किया जा सकता यार। नफरत है मुझे औरत के नाम से। तो समझती थी मेरे सारे बच्चों में शहबाज मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। मुझे ना उस
हिजरत से नफरत है, उस हिजरत से। और अगर जिस दिन वो मुझे सामने आ गई ना, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, बता रहा हूँ आप लोगों को, बता नहीं होता यार। क्या गिफ्ट दोगे भाई? तुम्हें क्या चाहिए? आप खुद आ जाना भाई, आप नहीं होते मेरी बर्थडे पर, कभी भी हॉस्टल होते हैं। मैं हूंगा तुम्हारी बर्थडे में, अब मैं हॉस्टल नहीं जाऊंगा, यही घर से स्कूल जाऊंगा रोज जैसे तुम जाती हो। सच में? आज तो वीकेंड है बेटा, आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए? मैं 5:45 पे उठ जाता हूँ। हम बर्थडे की बातें कर रहे थे बाबा। इसके लिए जूस नहीं लाए? मैं सुबह जल्दी नाश्ता कर लेता हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप नाश्ते में? ये पॉरेज खाते हैं। मैंने बताया था बड़े पापा भी यही नाश्ता करते हैं। बेटा आपके दादा भी यही नाश्ता किया करते थे। आपको पता है आप बिल्कुल अपने दादा जान जैसे हैं। बट मुझे लगता है मैं अपनी मॉम जैसा हूँ, मैं उन जैसा लगना चाहता हूँ। अच्छा बेटा, लड़के हमेशा अपने बाप दादा पर जाते हैं और लड़कियां अपनी माँ पर। लेकिन मैं ये दुआ करूंगा कि ये बच्ची अपनी माँ पे ना जाए। बल्कि इन दोनों का कोई भी बच्चा इन दोनों पर ना जाए।
नाश्ता तो कर लीजिए। नहीं गाया जा रहा शाइस्ता। आजिया को देखो, वो कमरे में रो रही है। आप भी शहबाज को देखें, ऐसी सुबह सवेरे निकल गया है घर से, न जाने कहां भटकता रहेगा सारा दिन। और मैंने तो सुना था कि यतीम के सर पे हाथ रखो तो दुनिया और आखिरत में खैर होती है। हमें तो जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिला आफाक के अब्बू। कैसी बातें कर रही हो? वैसे ही बस, दुनिया में अगर ये हाल है तो आखरत का हिसाब न जाने क्या होगा। अल्लाह रहीम व करीम है, वो हर चीज से वाकिफ है। बस तुम अच्छा गुमान रखो। हमारे बच्चे खुश नहीं है आफाक के अब्बू। गाजिया, शहबाज और औलाद को आजमाइश कहा गया है शाइस्ता। अरे तो यह आजमाइश कब खत्म होगी? फानवी प्लीज, इस तरह ना बोले, जैन सुन लेगा। तो क्या करोगे तुम? छुपा के रखोगे उससे? छुपा सकते हो? उल्टे काम का हमेशा उल्टा नतीजा होता है। कभी कोई सूरज पे चादर डाल सका है? चिराग बुझाने के लिए फूंक मारी जाती है, लौ पे हाथ नहीं रखा जाता। किस दुनिया में रह रहे हो तुम दोनों? अभी वो छोटा है, वो समझ नहीं पाएगा। जब बड़ा हो जाएगा तो हम उसे बता देंगे। बता देंगे? क्या बता देंगे और कैसे बताएंगे? मुझे भी तो समझाओ जरा। बताओ मुझे, ऐसा कौन सा पर्दा है तुम दोनों के पास जिसे अपने अल्फाज और जुमलों पे रखोगे, जो हालात और वाकयात की बरहंगी को छुपा सके? नहीं है ना? और कौन बताएगा? तुम या फिर तुम? भला आज तक कोई किसी बच्चे को बता सका है कि वो दुनिया में कैसे आया? भाई, कुछ बातें वक्त पे छोड़ देनी चाहिए। वक्त उसे यह बताएगा कि वो एक अडॉप्टेड चाइल्ड है। और अडॉप्टेड चाइल्ड होने का सुन के शायद वो फिर भी बर्दाश्त कर ले, लेकिन सच जान के हो रही है। ताया जान भी मुझे अडॉप्टेड कह रहे हैं। आई एम रियली अडॉप्टेड? नहीं जैन बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बड़े पापा को बता रहा था जो कुछ स्कूल में हुआ था। नहीं, मैंने खुद सुना है। ही सेड जैन इज अडॉप्टेड। नहीं बेटा, ताया जान ने ऐसा कुछ नहीं कहा। आपको गलत फहमी हुई है। नहीं, मैंने खुद सुना है। इन्होंने कहा कि जैन सर सुनेगा तो। बेटा मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं आपके पापा से ये कह रहा था कि
बहुत अच्छा किया जैन ने कि उस लड़के को मारा, बल्कि आप मुझे भी अपने साथ स्कूल लेके चलो, मैं उसे समझाऊंगा कि ऐसा ना करे, ये अच्छी बात नहीं है। नहीं, वो कह रहा था एक प्रिंसिपल से मामा को बात करते हुए सुना। जैन, इधर देखो, आपको अपनी मामा, बाबा और ताया जान पे यकीन करना चाहिए, उस लड़के पर नहीं। वेरी बैड। आप अपने पेरेंट्स पर बिलीव करोगे, लोग कुछ भी कहेंगे आप नहीं मानोगे। इधर देखो मेरी तरफ, मेरे सिवा कोई और आपकी मामा हो सकती है, बोलो जवाब दो। सान बेटा, कोई कुछ भी कहे, आपको सिर्फ अपने मामा पापा पे ट्रस्ट करना चाहिए। उसने ऐसे कही क्यों? बेटा, कोई कुछ भी कहे, आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? आप अपने कमरे में जाएं। रो रही हो सबा? अगर तुम्हें इतना इश्क था ना तो तुम्हें घर छोड़कर आना ही नहीं चाहिए था। तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता अगर इन दारुल अमान के बच्चों की जगह तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ होते। देखती फिर कैसा तड़पता वो। तड़प ही तो रहे हैं। जालिम बनकर सारी जिंदगी जुल्म करता रहा और अब मजलूम बनकर आ गया। अच्छा नहीं किया मैंने घर से निकलकर।
सजा देना चाहती थी उन्हें, खुद शल हो गई। सही सही बताना सबा, वो तुमसे अटक रहा था या तुम उससे मिलने पहुंच गई थी? छोड़ना होता ना उन्हें, ये 5 साल कम नहीं। अच्छा ये बताओ करना क्या है? हाँ कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, ये क्या करना चाहिए। मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना चाहिए। तुम उसे तलाक लो और अपना घर बसाओ, सारी जिंदगी अपने जख्मों से कीड़े झाड़ता रहेगा। क्या सुबह तक तो ठीक था, अचानक कैसे बुखार हो गया? पता नहीं बाजी, मैं कमरे में बेडशीट बदलने गई थी तो देखा बुखार में तप रहा है। ज़ैन, ज़ैन, उठो बेटा, शाबाश उठो, क्या हुआ है? जरा मामा के पास। अरे सुनो, बहुत तेज बुखार हो रहा है, जाओ जल्दी जाओ, मेरा फोन लेके आओ, डॉक्टर को फोन करना है। शाबाश उठो बेटा। ये एल्बम कौन लेके आया? आप लेके आए हो? मामा एल्बम में मैं नहीं हूँ, सिद्रा शहीर है, मैं कहीं नहीं हूँ। बेटा कैसी बातें कर रहे हो, किसने डाली आपके दिमाग में ये बातें? किसी ने नहीं, मैं खुद कह रहा हूँ। मामा मेरी पिक्चर्स क्यों नहीं है, देखे ना। ऐसा राज है जिंदगी कर्ज है, हम पे क्यों फर्ज है, नदामत से चुका है दिल, इलाही तू रहम कर दे मेरी इल्तिजा पे खुदा अपना। सुमैया मामी को अगर अंगारों पर भी खड़ा कर दिया जाए ना, तब भी उनके मुंह से कुछ नहीं निकलेगा। तुम निकलवाना क्या चाहती हो? जो सच है। तुम्हें लगता है कि इस बात में कोई बात है? और वही बात असल बात है। मेरे पास एक नाकाबिले यकीन तस्वुर से भी बाहर का ख्याल है। जो वाजे भी नहीं, लेकिन मैं जब जब सोचती हूं इसके बारे में, तुम मुझे लगता है वही सच है। तुम्हें लगता है कि उस बच्चे की शक्ल मिलती है सुमैया से और सिन्हान से। और शिद्दत से
एक जगह है, एक जगह है जहां से सब कुछ पता चल सकता है। सिनान का ससुराल, शिजरत के मामू का घर, चाचा का घर, जो कोई भी है वहां से सब कुछ पता चल सकता है। तो फिर इंतजार किस बात का? चलो ना। लेकिन जो वहां का एड्रेस नहीं पता, इस जमीन पर तो है ना, मैं पता कर लूंगा। तुम उसे ले आओ जाकर। ले आओ। वो क्यों आने लगी यहां पर? वो बहुत खुश है वहां। घर से बेघर होकर औरत कभी भी खुश नहीं रह सकती, और फिर वो तो ना 3 में ना 13 में। वो नहीं आएगी। क्या क्या कर लाऊंगा उसे मैं? कुछ भी तो नहीं बदला यहां पर। वही घर, वही मैं जिससे पीछा छोड़ा कर गई थी। बेटा कुछ तो इस घर में ऐसा था, वरना वो कागज लेकर अपनी गृहस्थी बसा लेती। नहीं आएगी वो। लाना चाहते हो, अपनी बात करो। तुम रो रहे हो आफा? का पता चल गया तो वो तो मर जाएगा। कौन सा सच? कि वो लेप पालक है या दोनों? शिजरत, मैं रिजाइन कर रही हूं। हाँ, हम कहीं मुल्क से बाहर चले जाएंगे। ठीक कह रहे थे तुम, ऐसी जगह जहां कोई ना जानता हो कि हम कभी वापस नहीं आएंगे। सब सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ। मम्मा।
अरे ये क्या है? मेरे बर्थडे के कार्ड थे, देखे। अरे वाह, किसने बनाए? आपने? भाई ने बना के दिए, मैं सबको दूंगी, अपने फ्रेंड्स को। भाई को बर्थडे का तो नहीं बताया ना? हाँ ना, सब बता दिया। बेटा ये क्या किया? भाई को नहीं बताना था। नदामत से